नमस्कार व्यूअर्स, मैं अनिरुद्ध शर्मा एमपी न्यूज़ पे एक बार फिर से हाजिर हूँ मार्केट की ताज़ा जानकारी लेकर के। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ मेरी तरफ से व स्वस्तिका परिवार की तरफ से। आशा करते हैं कि ये साल आप सब लोगों के लिए मंगलमय रहे और अच्छा रहे। कल देर शाम अमेरिकन मार्केट में एक फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद देखा गया था कि आज सुबह डाउ फ्यूचर्स जो कि हमारे हैं वो पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वहीं SGX निफ्टी भी फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहा है। वहीं एशियन मार्केट से खासा संकेत मिले जुले ही मिल रहे हैं, जिसके चलते देखा जा सकता है कि निफ्टी की जो ओपनिंग होगी या तो हल्की गिरावट के साथ निफ्टी खुल सकता है या एक फ्लैट नोट पर निफ्टी की ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी है, जिसके चलते आज एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे एक्सपेक्टेशन ये है कि 14,600 के ऊपर जाकर के निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होना तय लग रही है। कल कुछ सेलेक्टेड बैंक्स, आपके FMCG शेयर्स, ऑटो सेक्टर ने मार्केट को अच्छा खासा सहारा दिया था, जिसके चलते दिन के दौरान जो गिरावट देखने को मिली थी उस गिरावट के बाद भी मार्केट ने कल लगातार 13वें दिन तेजी के साथ ही बंद होता हुआ मार्केट हमें दिख रहा था। टेक्निकली अगर देखें तो 14,450 के आसपास मार्केट का एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। वहीं अगर आप ऊपरी स्तर देखेंगे तो 14,600 पार करते ही मार्केट 14,700 14,800 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। बैंक निफ्टी में भी 32,254 के आसपास सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ऊपरी स्तर 32,790 से 33,000 तक के हमें दिख रहे हैं। अभी भी खरीदारी की सलाह है, कभी भी कोई डिप मिलता है तो डिप पे आप खरीदारी करके ही चलें। वैसे आज मार्केट की शुरुआत जो हुई है एक हल्की गिरावट के साथ शुरुआत हुई है, फिर भी देख सकते हैं कि निचले स्तर से मार्केट ने रिकवरी दिखाना शुरू भी करा है। बट ओवरऑल देखें तो थोड़ी सी हल्की गिरावट है, कॉशियस रहें, डिप्स पे ही खरीदारी की सलाह है। सही स्तर मिले उसी पे आप मार्केट में एंट्री करने के लिए बने रहें। आज रिजल्ट्स की मैं अपडेट आप लोगों को देना चाहूँगा। कल इन्फोसिस के बहुत ही शानदार नतीजे आए थे, जिसमें प्रॉफिट उनका 7.3% बढ़ता हुआ दिखा है। वहीं रेवेन्यू ग्रोथ उनकी 5.5% बढ़ी है। कंसिस्टेंट करेंसी ग्रोथ उनकी जो रही है वो 4.5% से 5% आपकी बढ़ती हुई नजर आई है। डॉलर रेवेन्यू की बात करें, विप्रो की अगर हम बात करते हैं तो डॉलर रेवेन्यू उनका 3.9% बढ़ा है, जो कि पिछले 36 क्वार्टर्स में सबसे हाईएस्ट है। वहीं मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है कि Q4 में भी उनका रेवेन्यू 1.5% से 3.5% तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे भी रिजल्ट के चलते मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी का रुझान रहेगा। रिजल्ट इंटैक्टेड की अगर हम बात करें तो कल HCL टेक्नोलॉजी के रिजल्ट हैं, तो इस हफ्ते में आपने 4 IT कंपनियों के रिजल्ट देखे हैं, जिनमें से 3 IT कंपनी के रिजल्ट बड़े ही शानदार आए हैं। एक मिड कैप IT टाटा एलेक्सी, उसके भी नतीजे बड़े अच्छे हैं। तो आशा यही है कि HCL टेक के नतीजे भी अपनी IT कंपनियों के हिसाब से ही आगे भी अच्छे आने की उम्मीद लग रही है। सेक्टर स्पेसिफिक की अगर हम बात करते हैं तो आज IT सेक्टर में खासा दबाव अभी देखा जा रहा है। कुछ प्रॉफिट टेकिंग यहाँ IT शेयर्सों में हमें देखने को मिल रही है। ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी आज एक अच्छी खासी हलचल आप लोगों को देखने को मिल सकती है। स्क्रैपेज पॉलिसी के ऊपर आज एक बातचीत है, जिसके चलते हुए आज मार्केट में आपको ऑटो सेक्टर में भी हलचल देखने को मिल जाएगी। आज स्टॉक्स की बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का OFS आज ओपन मार्केट में खुला है 64 रुपये के भाव पर। ये OFS रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हल को 48,000 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तेजस विमान बनाने का ऑर्डर मिला है, तो डिफेंस स्टॉक्स आज आपके फोकस में रह सकते हैं। वहीं इंडसइंड बैंक पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। अभी शुरुआती दौर में आपके गेनर्स हैं इंडसइंड बैंक, ITC, UPL। वहीं लूजर्स आपके हैं विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक और टेक महिंद्रा। तो IT सेक्टर के शेयरों में एक हल्का दबाव हमें देखने को मिल रहा है। अब आज की आखिरी चीज़ हमारा कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट की अगर आप बात करते हैं तो गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में एक सुस्त कारोबार अभी देखने को मिल रहा है। तीनों के ट्रेंड भी साइडवेज हैं। स्तर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड में 49,473 का ऊपरी स्तर है, वहीं निचले स्तर में 49,174 तक के लेवल्स आप देख सकते हैं। चांदी में 66,500 का ऊपरी स्तर है, वहीं निचला स्तर आपका 66,140 का है। वहीं क्रूड में आप 3914 रुपये से 3843 रुपये तक के लेवल्स आप देख सकते हैं। आगे की ताज़ा जानकारी के लिए बने रहें MP न्यूज़ के साथ। मैं अनिरुद्ध शर्मा स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट की तरफ से धन्यवाद। Investment and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.